गर फिरदौस बर रुए जमीअस्त अमीअस्त अमीअस्त अमीअस्त। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के इस खास एपिसोड में। मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स की एक खास पेशकश द सौर्य चक्र। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे लगा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नॉलेज अपडेट्स हमेशा मिलती रहती हैं। दोस्तों तो कहानी शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद की मिट्टी ने एक से बढ़कर एक वीर सपूत भारत माता को दिए हैं, भारतीय सेना को दिए हैं। वैसे तो फर्रुखाबाद जो है आलू के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन फर्रुखाबाद में बहुत सारे वीर पुत्र भी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी शहादत से भारत माता को नमन किया है, भारत माता के चरणों को स्पर्श किया है, भारत माता की सेवा की है। दोस्तों दुश्मनों के सामने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए फर्रुखाबाद के वीर सपूत हमेशा जाने जाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं वर्ष 2021 सौर्य चक्र विजेताओं की, और उन्हीं विजेताओं में से एक हैं हमारे फर्रुखाबाद के हवलदार जी आलोक कुमार दुबे। दोस्तों कहानी कुछ इस तरह है, जम्मू कश्मीर में एक बार गश्त के दौरान उनकी टीम को ये सूचना मिली कि कुछ आतंकवादी एक सेब के बाग में छिपे हुए हैं। आलोक कुमार दुबे और उनकी टीम जो है वो गश्त पर थी और इसी दौरान ये सूचना उनको प्राप्त हुई, और उसके बाद जैसे ही सूचना प्राप्त हुई भारत माता के लाल को बिल्कुल भी देर नहीं लगी ये निर्णय लेने में कि उसे क्या करना है। और दोस्तों पहुंच गए आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए। जैसे ही सेब के बाग में पहुंचे आतंकवादियों को ललकारा आत्मसमर्पण के लिए। ध्यान रहे कि वो आतंकवादी जेड प्लस के थे, यानी कि सबसे उच्च कोटि के हथियारों से लैस वो आतंकवादी थे, और उन्होंने हवलदार आलोक कुमार जी की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोस्तों ऐसे में हवलदार आलोक कुमार दुबे ने अपनी टीम की अगुवाई करते हुए अपने टीम के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उन सभी आतंकवादियों को उनकी टीम ने मार गिराया जो उस सेब के बाग में छिपे हुए थे। इसी अदम्य साहस और आत्म बलिदान से प्रेरित परिचय के लिए उन्हें वर्ष 2021 सौर्य चक्र से नवाजा गया। दोस्तों फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र के निवासी श्री आलोक कुमार दुबे जी को डेली डोज बॉक्स की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और उनके अग्रिम जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो में कि सौर्य चक्र होता कैसा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सौर्य चक्र विजेताओं को यह प्रदान किया जाता है। दोस्तों फर्रुखाबाद में बहुत सारे ऐसे हमारे सेना के जवान रहे हैं जिन्होंने समय समय पर अपने प्राणों की आहुति इस यज्ञ में दी है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना सौर्य चक्र विजेता श्री आलोक कुमार दुबे जी के बारे में और पूरी जानकारी ली कि कैसे क्या हुआ था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।